आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। झांसी जनपद के लहचुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरौरा में कक्षा एक की छात्रा 6 वर्षीय के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना परिजनों ने लहचुरा पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लहचुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरौरा में बने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 6 वर्षीय कक्षा एक की छात्रा जब विगत दिवस दोपहर के समय विद्यालय के बाहर शौच के लिए गई हुई थी, तभी गांव के ही एक युवक द्वारा उसे झाड़ियों में जबरन ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची द्वारा शोर मचाने पर बकरी चरा रहे लोगों द्वारा जब मौके पर पहुंचकर विरोध किया गया तो उक्त युवक मौके से भाग निकला। घटना की सूचना परिजनों को मिलते ही परिजन बच्ची के साथ लेकर लहचुरा पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तत्काल मामला दर्ज कर बच्ची को चिकित्सीय परीक्षण के लिए मऊ रानीपुर स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। बता दें कि 6 वर्षीय मासूम बच्ची सुबह से विद्यालय पढ़ने के लिए गई थी, जहां पर मध्याह्न भोजन के बाद बच्ची शौच के लिए विद्यालय से बाहर चली गई, जहां उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उक्त घटना में विद्यालय के शिक्षक जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब पढ़ाई के दौरान शिक्षक बच्चों पर नजर नहीं रख सकते तो क्या जिम्मेदारी उठाते होंगे। जब हमारी टीम विद्यालय पहुंची तो पता चला कि विद्यालय एक शिक्षा मित्र के सहारे चल रहा था, जहां पर तैनात अन्य शिक्षक ड्यूटी से नजारत थे। जब उनसे गायब होने का कारण पूछा तो उन्होंने निजी कार्यों का हवाला दे दिया। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि बच्चों के माता पिता किसके सहारे अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस करेंगे, जब मोटा वेतन पाने वाले जिम्मेदार शिक्षक ही लापरवाह बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार द्विवेदी। द्विवेदी जी, ये बरौरा से एक शिक्षक हैं, क्या नाम है, रवि यादव। कल क्या आप उनसे मिले थे? कल हम चूंकि 2 बजे तक तहसील दिवस में रहे, इसी बीच में वो आए हों तो हम यहाँ नहीं मिल पाए। इसके बाद गिरीश साहू यहाँ पर रहे हैं, कल आपकी मुलाकात यहाँ पर बाबू हैं, उनके पास आए होंगे तो हमारी मुलाकात उस समय नहीं हुई 2 बजे। आप यहाँ पे क्या है? शिक्षा मित्र। कल क्या घटना हुई है यहाँ पे विद्यालय में? कल बच्चों को लंच चल रहा था तो बच्ची अब लेटन लगी हो तो अब पूछ के नहीं गई है। तो क्या आपके विद्यालय में शौचालय नहीं है? तो शौचालय बच्ची पूछती, हम शौचालय में भेजती हूँ बच्ची को। नहीं, उपयोग में नहीं है शौचालय? उपयोग में तो है, थोड़ी गंदगी रहती है उसमें। अच्छा, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं रहती क्या? होती तो है, साफ सफाई कम होती है। तो क्या घटना हुई थी बच्ची के साथ? अब बच्ची के साथ लंच के समय चल रहा था और लंच के बाद बच्ची लेटन गई और पूछ के नहीं गई है यहाँ से। जब घटना हुई उस समय विद्यालय में कितने अध्यापक मौजूद थे? मौजूद तो मैं, हम ही थे अकेले। आप ही थे? बाकी अध्यापक कहाँ गए थे? चले गए थे, काम था, उन लोगों चले गए, सभी लोगों को काम था। हाँ। कितने शिक्षक मौजूद हैं यहाँ पर तैनात हैं? चार हैं। दो अध्यापक, दो शिक्षा मित्र। आप कौन से गांव के निवासी हैं? बरौरा। कल इस विद्यालय में क्या घटना हुई थी? बाबू जी, एक लड़की स्वच्छ करने के लिए गई। हाँ। तो स्वच्छ करने दिन इस तरफ तो उस लड़का ने उसको झुसकाया, नहीं इस तरफ जा, उस तरफ गए, उसने पकड़ लिया, दुष्कर्म किया बच्ची के साथ। अच्छा, विद्यालय में कौन कौन था उस समय? एक मास्टर था। बाकी मास्टर कहाँ गए? हम बाबू ये नहीं बता सकते। तो एक बुड्ढा आया तो बुड्ढा ने उस लड़की को वहाँ से भगा दिया, रोड पर बैठी थी, सुबह भीतर अंदर चली गई और अंदर का की करके भीतर गई तो वहाँ खेत था बामन का लड़का था, उसने पीछे से खींच कर लड़की को ले गया और फिर एक गांव की वाला पहुंची और जब उसने चड्डी भी निपका के वो बलात्कार करने लगा, इतने में वो सूचना दी। हाँ, पुलिस को सूचना दी। मुकदमा लिखा? हाँ जी, रिपोर्ट कर लो।